ओके गाइस, मैं हूँ आईटी बॉम्बे में। ये बिल्डिंग देख रहे हो, इससे कितने सारे सपने जुड़े तुमको इसका अंदाजा भी नहीं है। आईटी बॉम्बे के तुमने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट आज हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज्यादा अलग, बहुत ही ज्यादा क्रेजी। हम खड़े हैं आईटी बॉम्बे में, मेरे साथ पांच लौंडे हैं कॉलेज के, एंड हम ये देखने वाले हैं इनको कोडिंग कितनी आती है। कोडिंग आती है? देखो कुछ पता ही नहीं है। तो आज ये खुलासा होने वाला है कि आईटी के बॉम्बे के लौंडे कितने स्मार्ट है, कितने इंटेलिजेंट है, और कोडिंग का इनकी जिंदगी में कितना अहमियत है। मैकेनिकल में हो ना तुम, लेकिन सैंपल साइज थोड़ा छोटा है। तुम कहना चाह रहे हो कि कॉलेज को मैं जज ना करूं तुम्हारे, लेकिन मैं तो करूंगा। कूल, तो हम जानने वाले हैं कि आईटी बॉम्बे के पांच लौंडों को कितनी कोडिंग आती है। थोड़ी बहुत। ओके, कौन सा डिपार्टमेंट है? जिंदगी में कितने घंटे कोडिंग किया है? क्यूमुलेटिव आधे घंटे। आधे घंटे तो क्या सोच के यहाँ पे बैठे हो? ये सोच के बैठा हूँ कि तुक्का तो लग ही जाएगा। कोडिंग में भी तुक्का लगता है, ये एडवांस चल रहा है। तो 10,000 तो लेके जाना इधर, 5,000 लेके जाना। ठीक है, एक एक करके मैं सबको जानता हूँ पहले कि कौन कितना स्टड है यहाँ पे, एंड फिर ऑडियंस बेट लगाएगी हु कैन बी द विनर। तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? लोकेश। लोकेश कहाँ से? लोकेश मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार में दरभंगा। अरे भाई हाँ, बताते बिहार गाइस, अब जीत कौन रहा है तुम लोगों का पता चल जाना चाहिए। तुम भी बिहार से हो? पहले नहीं बताना इतना वो सब ओरिजिनली। तुम्हारा डिपार्टमेंट कौन सा? फिजिक्स। कोडिंग कितनी आती है? थोड़ी बहुत। तुम बताओ ब्रो तुम्हारा नाम क्या है? पिंकेश। पिंकेश, पिंकी रख लेते। पिंकेश तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या है? सीएस। मैक मैक, तुम भी मैक हो? फिजिक्स सीएस, कौन सा ईयर? थर्ड ईयर। तुम लोगों को जब पता था ये सीएस का है। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम इसको हरा सकते हो? मेरे को भी थोड़ी बहुत ही आती है। सीएस में आया तुम 3 साल से, तुम्हारा थोड़ी तुम्हारी थोड़ी बहुत भी ना इनकी बहुत से बहुत ज्यादा होगी, तुमको पता नहीं? ठीक है, तो देखते हैं कितना। बिल्कुल घमंड ही नहीं कर रहा अपने शक्तियों पे। तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बलवीर। कहाँ से तुम? मैं दिल्ली से, साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली का लौंडा यहाँ मुंबई में क्या कर रहा है भाई? आईटी दिल्ली तुम छोड़ के आ रहे हो? घर की मुर्गी दाल बराबर। तुम्हें बाहर एक्सप्लोर करना था, गर्मी में जैकेट पहन के क्या एक्सप्लोर कर रहे हो तुम, जरा बताओ। दिखाने का मौका नहीं मिलता है, लोगों को दिखाने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, तो हम करने ही वाले हैं, ध्यान से सुनना कि गीक्स फॉर गीक्स पे हर दिन एक प्रॉब्लम ऑफ द डे आता है। तो क्या होता है कि एक क्वेश्चन आता है जो कि 24 घंटे वहां पे रहता है। तो टेक्निकली होता ही है कि अगर तुम प्रॉब्लम ऑफ द डे को सॉल्व कर लेते हो तुमको एक गीक बिट मिलता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 50 गीक बिट्स आ जाते हैं तो तुमको कुछ प्राइजेस मिलते हैं। लेकिन आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा है, तो अगर तुम एक ही गीक बिट जीत जाते हो, यानी कि अगर तुम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो जो कि आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है, तो जो विनर होगा जो सबसे कम टाइम में सॉल्व करेगा उसको मिलेंगे मेरी तरफ से 5,000 रुपीज, प्रॉपर फोन पे कैश, कोई कूपन कोड वगैरह नहीं। ठीक है, हालांकि मैं विनर को ऑलरेडी देख पा रहा हूँ मुझे लग रहा है। तो ऐसा कुछ कर देते ना, इसके लिए कंडीशन थोड़ा टफ कर देते हैं, क्योंकि ये सीएस से है भाई। तुम खड़े खड़े कोड करो। नहीं, आई थिंक वी शुड कीप इट फेयर, मतलब ठीक। तुम बताओ कि शुड वी कीप इट फेयर? एक हाथ से कोड। अरे ये तो हाँ, नहीं भाई, इस बंदे को हाफ का कोडिंग है, एक हाथ से कोडिंग, एक हाथ से कोडिंग। ठीक है, ठीक है। तो गाइज, पिंकेश, पिंकी के लिए हम एक चीज टफ कर रहे हैं, पिंकी के लिए हम चीज टफ ये कर रहे हैं कि ये एक हाथ से कोडिंग करेगा क्योंकि ये सीएस का है। तो ऑफ कोर्स मतलब थोड़ा तो इसको डिसएडवांटेज होना चाहिए, एंड बाकी लोगों को थोड़ा एडवांटेज होना चाहिए। बंदे ने पूरी जिंदगी में आधे घंटे कोडिंग करा है, शक्ल दिखा दी, तो इसलिए हम थोड़ा फेयर रखते हैं। ठीक है, शुरू किया जाए। तुमने पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है, सबने कर लिया। प्रॉब्लम ऑफ द डे दिख रहा है सबको, बहुत इजी इंटरफेस, गीक्स फॉर गीक्स, प्रॉब्लम ऑफ द डे, सॉल्व प्रॉब्लम ऑप्शन दिख रहा है। तुम कह रहे हो बेसिकली कि तुम चीटिंग कर सकते हो? नहीं, बेसिकली कहना चाह रहे हो? काइंड ऑफ यस, काइंड ऑफ यस। शुभम तुम रेडी हो? शुरू करते हैं फिर। ठीक है, 3, 2, 1 हैंड, 3, 2, 1 गो। Binary search tree are swapped. Fix the binary search tree by swapping them back. Do not change the structure of the tree. आधा देखो, हम तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, बट हो जाएगा, इजी है। देखो यार, मैं उन पांच लड़कों पे भरोसा करके यहाँ पे बैठा हूँ, बनाना शेक पीने के लिए बाहर आया था। आई होप कि वो चीटिंग ना करें, बट जो भी है GFG, जो आपका गीक्स फॉर हाय गरिमा। तो गरिमा के साथ भी मैं एक वीडियो शूट करने वाला हूँ। यू फाउंड मी अमेजिंग। तुम्हें ढूंढना मुश्किल है। यू हैव सेंड मी योर लाइव लोकेशन। पूरा आईटी एंड ब्रेन यूज कर लिया एक साथ। अरे ओके, मैं बात कर रहा था गीक्स फॉर गीक्स के बारे में, आपको सुना होगा। हाँ, मतलब हमारी लैब में भी इज यूजिंग दैट फॉर लर्निंग पाइथन। सो तो गीक्स फॉर गीक्स पे आप कोडिंग सीख तो सकते हो, साथ में बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स है जिससे कि आप अपने कोडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, अपस्किल कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज इसके साथ साथ आप जो प्लेसमेंट में अपेयर करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो जब भी आप गीक्स फॉर गीक्स के पोर्टल पे जाओगे आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। वो 5 ऑप्शंस है प्रॉब्लम्स, कॉन्टेस्ट, गेट हायर्ड, POTD एंड कॉन्टेस्ट। कुछ बच्चे होंगे जो कि बोर होते होंगे कि नहीं यार ये सारे क्वेश्चंस बहुत घिसे पिटे हैं, मजा नहीं आ रहा, किक नहीं
नहीं मिल रही वगैरह 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 वगैरह। तो उनके लिए POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे, हर दिन तुमको गीक्स फॉर गीक्स पे 24 घंटे के लिए एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम मिलता है जो कि 24 घंटे के बाद रिफ्रेश हो जाता है। अगर तुम उसे सही से सॉल्व कर लेते हो तो तुमको गीक बिट मिलता है। अगर तुमने 50 गीक बिट्स कलेक्ट कर लिए 50 सही क्वेश्चंस करके तो तुमको बहुत सारे प्राइजेस मिलते हैं गीक्स फॉर गीक्स की तरफ से। इसके साथ साथ तुम्हारे पास वहाँ पे अवेलेबल है बहुत सारे कोर्सेज जिसको कि अगर तुम अवेल करना चाहते हो तो मेरा कोड नोवा फैम यूज कर सकते हो, क्योंकि इस कोड को यूज करने से तुमको उन कोर्सेज पे 15% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। एंड साथ में एक बहुत ही अमेजिंग चीज, तुम कितना भी प्रैक्टिस कर लो इंटरव्यू में ना हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यू में तुमको बहुत सारे ट्रिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भी बड़े बड़े टेक जायंट्स होते हैं जो कि तुमसे बहुत ही अतरंगी क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में। गीक्स फॉर गीक्स पे तुमको उसके लिए प्रिपेयर करा जाता है। अभी बहुत सारे लोगों का प्लेसमेंट आने वाला होगा, गीक्स फॉर गीक्स पे जाओ, इस इंटरव्यू वाले फीचर का फायदा उठाओ, अपने आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो। और इन सब के साथ साथ एक बहुत ही अमेजिंग फीचर गेट हायर्ड फीचर, कि अगर तुमको अपने कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट में इतना दिमाग खराब नहीं करना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी डाउट है, तो तुम गेट हायर टैब पे जाओ, वहाँ पे अप्लाई करो, तुमको अपने आप गीक्स फॉर गीक्स कनेक्ट कर देगा बहुत सारे ऐसे कंपनीज के साथ जिनको तुम्हारी जरूरत है। अगर मुझे दिखेगा कि पिंकी जो है आगे बढ़ पा रहा है अपने एक हाथ से, तो तुम लोगों को मैं थोड़ा चीटिंग का भी ऑप्शन दूंगा। शुभम की शक्ल देख के आते यार इसको पता नहीं क्या चल रहा है। हेलो वर्ल्ड, फ्रेंड हेलो वर्ल्ड, इतना बेसिक। एक से एक सेन ऐसा कैसे हो सकता है? शुभम तुमसे भी हो गया क्या? किससे किससे होने कितने परसेंट हो गया? किससे तुम्हारा हो रहा है? दोनों को। पहले किसके हुआ है? पहले तो सबके ही हुआ। पहले सबके ऐसा कैसे? तुम्हारा कितना हुआ? मेरा नियरली हो गया, बस इंडेंटेशन का बीटीआर है। उसका बीटीआर है इंडेंटेशन का, थोड़ा बहुत। तुम्हारा शुभम, अगर मैं सबका कोड रिव्यू करूंगा मैं देखता तुमने लिखा क्या है। क्या चेक कर रहे हो अभी? इंडेंटेशन। अरे पाइथन में थोड़ा इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है, लाइक स्पेस नहीं दिया सही से, टैब नहीं दबाया तो फिर वो एरर देता है। तुम्हारा बिल्कुल डर हो गया, तुमने इंडेंटेशन भी चेक कर लिया, मतलब कर दिया। पहले सॉल्यूशन के साथ आया था क्या तुम्हारा क्वेश्चन? नहीं पहले से ही सही था, मतलब वन गो में ही हो गया था। क्या बात कर रहे हो? अरे ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ रखा है ना, BHT वगैरह, अभी रिसेंटली पढ़ा था मैंने। मैंने लगा तुम जैकेट वैकेट पहन के आए हो, बट तुम तो कट निकले। क्वेश्चन में क्या करना था एक्सप्लेन करो। बेसिकली क्वेश्चन में ऐसा था कि हमारे पास जो ट्री होता है, बाइनरी सर्च ट्री गिवन था अपने पास, तो उसमें इनकरेक्ट ऑर्डर में गिवन था, तो हमें वो स्वैप करके करेक्ट ऑर्डर में करना था। बेसिकली एंड व्हाट इज BST? बाइनरी सर्च ट्री। ऐसा हुआ था कि फर्स्ट ईयर में था मैं, ठीक है, मैं थे एंड मेरे कुछ दोस्त थे जो कि हम लोग ऐसे कुतुब मीनार साइड देखने के लिए जा रहे थे। तो उसमें से एक बंदा था, हम लोग सब नॉर्मल कपड़े पहने थे, उस बंदे ने जानबूझ के IIT का जैकेट पहना, हुडी, कि मैं तो IIT का हुडी पहन के जाऊंगा, फर्स्ट ईयर में होता है थोड़ा क्रेज। तो मेट्रो में हम गए, बहुत भीड़ थी, हम 5 लोग खड़े हैं, गलती से एक आंटी थी जिनको थोड़ा स्पेस कम मिल रहा था, तो हम 5 लोगों के कारण कम स्पेस मिल रहा था क्योंकि बहुत क्राउडेड था। हम सबको देखा, हमें कुछ नहीं बोला, स्पेसिफिकली उस बंदे को जिसने IIT का हुडी पहना था, कहते क्या पढ़े लिखे नहीं हो क्या? उसका जो कचरा हुआ था, इसलिए भाई अगर IIT का हुडी पहनते हो IIT में आके तो प्लीज तुम्हारा फायदा हो रहा नहीं पता मुझे, ये नहीं पता, बट कॉलेज का इमेज खराब मत करना ये सब हरकतें करके। अब मुझे समझ रहा है क्वेश्चन क्या बोला था शुभम। बाइनरी सर्च का दो नोड है उसे स्वैप किया गया है। हाँ। बोला बाइनरी तो ये जो बता रहा मुझे सब नहीं 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 क्वेश्चन पढ़ के मैं बता रहा हूँ। हाँ। उसे वापस से स्वैप करके फिक्स करना, मतलब जिसे स्वैप किया है उसे वापस से स्वैप करना, और स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना चाहिए ट्री का। एक्स्ट्रा ट्री बहुत ज्यादा तो नहीं आता है। हाँ। बट मतलब क्वेश्चन क्या है ये तो पता चल रहा है। अरे मतलब मैं DA से बहुत ज्यादा अंडरस्टिमेट कम कर रहा, इतना भी नहीं करना है। अरे हाँ वो तो मैंने फनी लगने के लिए वीडियो में कर, भी तुमको ऐसा नहीं आता ही नहीं? नहीं नहीं आता है, एक दो महीने, मतलब 2 महीने से कर रहा हूँ। कोड जॉब क्यों नहीं, ये जानना है ऑडियंस। कोड जॉब क्यों नहीं? बिकॉज स्टार्टिंग लेवल पे पैसे कम मिलते हैं उसमें, बाद में मैकेनिकल कोर में तो लोगों की ड्रीम जॉब होती है JLR मोस्टली, 1920 के आसपास में उसका है, 19 आई गेस इनहैंड ही है, CTC और ज्यादा ही है। तो हम अभी जानेंगे कि एक्चुअली में इनहैंड क्या होता है, CTC क्या होता है। लेट्स चेक। तो बेसिकली द डिफरेंस इज की CTC इज कॉस्ट टू कंपनी, द अमाउंट दैट कंपनी बेयर्स तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस को मिला के, बट इनहैंड इज द अमाउंट जो कि आपके बैंक अकाउंट में आता है, जिसमें कि कई बार बहुत डिफरेंस आता है, कई केस में 50% भी जाता है। जो मुझे जॉब मिली थी इट वाज CTC वाज 20 एंड इनहैंड वाज समथिंग एल्स। ओके, पूरा कोड लिख रखा है तुमने, लग रहा है कौन सी कंपनी कौन से डे की है, उसका CTC क्या है, कहां पे प्लेसमेंट होती है, रोल क्या है, तो ये बस दिखाता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में लोग इतना पूरा जुगाड़ करके रखते हैं। प्लेसमेंट कैसे क्लियर करना, टेस्ट वेस्ट का पता नहीं, बाद में तो प्रिपरेशन बाद में शुरू होता है एग्जाम का, पहले ये प्रिपरेशन शुरू होता है कि कौन सी कंपनी कितने रुपए दे रही है। नेट नहीं चल रहा इसलिए कोडिंग नहीं कर पाया मैं तो, करी टेस्ट कैसे प्रोसेस हो रहा है इसके, 10 हो गए हैं टोटल स्कोर तुम्हारा 8 है, 165 में तुमको 165 टेस्ट केसेस पास हो गए, टोटल टाइम 0.32। मैं थोड़ा तो ऐसा भी है कि लाइक मैं ये करता हूँ एवरीडे, प्रॉब्लम ऑफ द डे गिग्स फॉर गिग्स पे। क्यों क्यों मेरे को, तो मैंने आज ये कर रखा था सेम क्वेश्चन, अब ये रोज आता है तो रोज करेंगे ना, मतलब
तब इसमें मेरी गलती नहीं, मतलब अब आपने वो दिमाग नहीं। तो गाइस तुम भी बेसिकली गीक्स फॉर गीक्स पे प्रॉब्लम डे कर सकते हो। तो ऐसे कभी कोई ऐसे यूट्यूबर आए तुम्हारे पास एंड कोई गिव अवे करे, तुम तेज बन के उसको जीत सकते हो बिना बताए कि तुमने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। स्टार्ट में नहीं बताया इसने, देखा चुपचाप सॉल्व कर रहा था, बट कोई बात नहीं, ठीक है। और भाई इसका सबमिट देखते हैं, इसका सबमिशन देखते हैं। एक से गाइस हम शुभम का सबमिशन देखने जा रहे हैं। सबमिट करो, तुम पहले सबमिट करो ना, सबमिट होते हुए देखना मुझे। तो गाइस यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि जितनी जल्दी आपको ये रियलाइज हुआ कि आपको किस ओर जाना है उतना पहले से प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि अगर वो मैकेनिकल में था वो बंदा, तो वो चाहता तो कंफ्यूज रहता बहुत टाइम तक, मेरे को कोर में जाना नॉन कोर में जाना, बट उसको पता था कि उसको नॉन कोर में ही जाना है, कोडिंग ही करनी है। दैट्स व्हाई वही दुनिया से बहुत आगे निकल चुका है, हर दिन प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करता है गीक्स फॉर गीक्स पे। माइक्रोसॉफ्ट इंटर्न हो रखा तुमने क्या? माइक्रोसॉफ्ट में तुमने इंटर्न लगाई है क्या? मतलब वही कोडिंग प्रैक्टिस, शुरुआत में सारा डीएसए कर लिया, इंटरव्यू एंड देन। बहुत इजी है गाइस, मतलब क्या है, सुबह उठो, ब्रश करो, कोडिंग प्रैक्टिस, इंटरव्यू, माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न लग गई। हो गया मतलब सबका ना, जिनका नहीं हुआ उनका होगा नहीं अब बेसिकली। ठीक है, तो गिव अवे का विनर हम कैसे डिसाइड करें ये बताओ? बांट दो या सबको दे दो? सबको 5,000 दे दो। बाप रे बाप, 25,000 गिव अवे अगली बार करेंगे। सबको दे दो, आईवुड से सबको दे दो ना। देख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ये नहीं बोल रहा है, इसके अंदर का माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है। क्या है ये 5,000-6,000 रूम है इसके लिए? तो फिर वही करते हैं। तो गाइस इस गिव अवे का एक्चुअल विनर इसको मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसने सुबह सेम क्वेश्चन कर रखा था। एक्चुअल विनर मैं तुम्हें मान रहा हूँ, बट दे सबको रहे हैं भाई, यूपीएससी प्रिपरेशन करना पड़ेगा अब लग रहा है। हम चलेंगे कुछ खाने के लिए उस वाले कैफे में, ठीक है? कैफे 92 जाना है, ठीक है। कैफे 92 के बारे में बताओ जरा, क्या सीन है? कैफे 92 बैच ऑफ 92 उन्होंने मिलके कंट्री करके बनवाया कैफे। भाई हम जब कंट्री करते हैं तो समोसा चाय पीने जाते हैं, ये कंट्री करते हैं तो कैफे खोल लेते हैं। इतना पैसा चाहिए जिंदगी में। हमारे पास विनर वैसे तो ये है, बट सारे लोग को विनर मान रहे हैं एंड गिव अवे का वी हैव डिसाइडेड व्हाट वी हैव टू डू। इसके अलावा गीक्स फॉर गीक्स पे तुम्हें क्या करना, तुम्हें पता है प्रॉब्लम ऑफ द डे तुम तो भाई जरूर सॉल्व करना। इसके साथ साथ अगर तुमको कोई भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना हो कि तुम्हें तुमसे अगर कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है इंटरव्यू के अंदर, तो उसके लिए भी गीक्स फॉर गीक्स पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है? करते रहेंगे, चेक इट आउट, बहुत ही अमेजिंग ऑप्शंस है। पैसे 1,000 ही मिलेंगे अभी ये सब बोलने के बाद। कंटेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, गीक्स फॉर गीक्स मुझे नहीं पता, गीक्स फॉर गीक्स शायद कर रहे हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा रहता है, ये काफी अच्छा रहता है, तुमको ऑथेंटिसिटी पता चलती है। एंड यू हैव टू चेक इट आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ यू यूज द कोड नोवा फैम यू कैन गेट 15% ऑफ इन ऑल द कोर्सेज दैट इज अवेलेबल देयर। हम जाते हैं कैफे 92।